नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हर्षोल्लास के साथ जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 128वीं जयंती मनाई जा रही है। 14 तारीख बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्मदिन था, आज 21 अप्रैल को जो है यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है बाइक रैली निकाली जा रही है, नाच गाकर जो है देखिए खुशी मनाई जा रही है। तो देखिए हम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार है और आज बाबा साहब की 128वीं जयंती पर पूरा समाज SC ST OBC लगा हुआ है और भारत में नए भारत की शुरुआत है। और बाबा साहब की इस जयंती पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहूँगा। जय भीम। तो ये एक साल में एक ही बार जयंती मनाएंगे या इसको निरंतर चलती रहेगी? ये एक मंथ पूरे निरंतर चलती रहती है। इसमें बाबा साहब की जगह जगह झांकियां निकलती हैं और पूरे देश में हर्ष और उल्लास से यह जयंती मनाई जाती है। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो देखिए काफ़ी तादाद में जो है युवा सुल्तानपुरी से रैली निकाली जा रही है, काफ़ी तादाद में यहाँ लोग हैं। बाइक रैली का जो है आयोजन यहाँ थर्ड बार जो किया जा रहा है उसके उपलक्ष में देखिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। चलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती सुल्तानपुरी में जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है, तो हमारे साथ में देखिए भारत हिंद के श्री बिरजू पहलवान जी हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे सुल्तानपुरी में जो तीसरी बार आज आयोजन ये किया जा रहा है बाइक महारैली का, इसमें आपका क्या कहना हो रहा, क्या युवाओं में इतना जोश पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय भीम सभी देशवासियों को। देखो आज तीसरी बार बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर रैली निकाली जा रही है, बाइक रैली, जो कि सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, बोध विहार सभी एरिया में ये रैली घूम रही है और सभी युवा एकजुट है। और मैं अपने समाज से, सभी दलित समाज से बोलता हूँ कि सभी एकजुट रहे। ये मतलब युवा संगठित हो रही है, आप मैसेज देना चाहते हैं? जी तो जागृति तो आ रही है, जागृति आ रही है और युवा देखे जा रहे हैं कि युवाओं में जोश है, जय भीम के नारे लग रहे हैं, तो इस वजह से देखा जाता है तो जागृति ज्यादातर आ गई है। जागृति आ गई है, आप देख सकते हो कि पीछे भी आज हमारे देश के युवा जाग चुके हैं और आप एक बार पीछे कैमरा घुमा सकते हैं कि देख सकते हैं कि कितना बड़ा दिलपर। एक मिनट पीछे दिखाओ। ये विनय कुमार जी हैं जो मिस्टर इंडिया है और ये विनय कुमार जी है। देखिए अभी हम आपकी उनसे भी बात कराएंगे। ये बिरजू पहलवान जी है, आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। ये हमारे साथ में देखिए कालू पहलवान जी जो दिल्ली बादली से हैं, ये बाबा साहब की जयंती पर बधाई देना चाहेंगे। जय भीम जय भीम जय जी। ये जो है थोड़े जय भीम करना चाहते हैं जी। तो हमारे साथ में देखिए भोला भाई, भोला जी हैं समाज सेवी, आज ये समाज सेविक है। बाबा साहब जयंती 128वीं जयंती पर क्या कहना चाहेंगे? जय भीम, सबको मुबारकबाद हो बाबा अम्बेडकर साहब की जी की तरफ से। जय भीम जय भीम जी। चलिए हम आपकी बात जो है विनय कुमार जी से जो मिस्टर इंडिया है उनसे भी बात कराएंगे। चलो देखिए हमारे साथ में मिस्टर इंडिया विनय कुमार जी हैं जो वाल्मीकि समाज से हैं और युवा है। इनका आप बाइसेप्स अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको पसीने भी आ सकते हैं, तो इनकी मेहनत है और हम इनसे जानना चाहेंगे। एक सेकंड, चलिए मिस्टर इंडिया बनने के बाद और जय भीम के नारे लगाना आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें भीम की वजह से आज ये उपलब्धि मिली है और हम खुले विचारों से जी रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को आगे भी जाना है अभी। तो आपको इस जाति से, इस समाज से क्या भरोसा है कि साथ दे पाएंगे और आपका आगे बढ़ने में सहयोग होगा?
जी हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मैं अपने समाज की वजह से पहुँचा हूँ और आगे भी उम्मीद है कि ऐसे इनका सपोर्ट मिलता रहेगा। इसमें बाबा साहब की भूमिका है, उनका ही सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की है जी, जिससे आज हमारा समाज जागरूक हुआ है और हम आज इस स्तर पर पहुँचे हैं जी। जी तो आज 128वीं जयंती पर अपने चाहने वालों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि संगीत संगठित रहे, शिक्षित बने जी, जी। और संघर्ष करें, अंधविश्वास से बचे जी। जी बहुत अच्छी बात है कि विनय कुमार जी ने कही है कि शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें और अंधविश्वास से बचे, क्योंकि वाल्मीकि जाति जो है, दलित समाज जो है, तकरीबन भूत पूजा और अंधविश्वास और क्रूरतियों में जो है घुसा हुआ है, नशे में घुसा हुआ है। तो आज ये मैसेज देना चाहते हैं कि दलित समाज टोटल, जितना भी दलित समाज है, बहुजन समाज है और ज़्यादातर वाल्मीकि समाज जो है वो क्रूरतियों में है और उससे बचे। तो विनय कुमार जी जो मिस्टर इंडिया है और ये आपको बताना चाहते हैं कि क्रूरतियों से दूर रहे जी। आपके साथ में भाई और भी हैं तो थोड़ा सा उनसे भी हम जानना चाहेंगे जी। अपना नाम बताइए सर। सचिन। सचिन आप किस पोजीशन पे हैं सर? मिस्टर इंडिया। ये देखिए एक और मिस्टर इंडिया हमारे साथ में है और आप अपने चाहने वालों को कुछ कहना चाहेंगे और वाल्मीकि जाति को कुछ संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम सब मिलके चले और एक साथ चले, संघर्ष के साथ चले। ठीक है जी। तो हमारे साथ में देखिए विनय कुमार जी के सर भी हैं जो उनके कोच हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे क्या विनय कुमार जी किस पोजीशन, जिस पोजीशन पर है तो उस पोजीशन पर जाना इनका लाजमी था या कोई मतलब पावर लगाकर आपने ये कराया? ये सब जो भी आज ये बन पाया है ये इसकी मेहनत और लगन की वजह से जी। ये बच्चा शुरू से ही बहुत मेहनती है जी, इसमें बहुत लगन थी कि मैं कुछ करने के लिए रास्ता नहीं मिल पा रहा था तो बॉडी बिल्डिंग के माध्यम से जिसने आगे ये आया है, जिसने आगे निकलना होता है वो आगे जरूर आता है, उसको माध्यम चाहिए जी। जी तो शुरू से ही मेहनती था, बस मार्ग नहीं मिल पा रहा था, इसे बॉडी बिल्डिंग में वो जज्बा जिसका दिखाई दिया और वहाँ इसकी लगन और बढ़ गई और ये आगे आ गया। आज भी ये लगातार मतलब उसी पथ पर चल रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है ये और अभी भी नेपाल में जो प्रतियोगिता हो रही है उसमें खेलने जा रहा है जी। तो देखिए हम दिखाना चाहेंगे एक बार अपना प्रदर्शन भी जो है, दोनों मिस्टर इंडिया एक बार दिखाएंगे। देखिए ये देखिए जय भीम, जय भीम। देखिए जय भीम के साथ प्रदर्शन अपना किया और जागो समाज चैनल आपको वो खबर दिखाएगा जो कोई नहीं दिखाता, क्योंकि इतना बड़ा कारवा जय भीम का चल रहा है, बाबा साहब का जो कारवा तेज़ी से जो बढ़ रहा है उसको मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि मीडिया इसलिए नहीं दिखा पाता क्योंकि इसमें आपकी एकता झलकती है, वो आपकी एकता को नहीं दिखाना चाहता, आपके फाड़ करवाना चाहता है, बीच से फाड़ करवाना चाहता है, आपको टुकड़ों में बंटवाना चाहता है, क्योंकि आप अगर एक हो गए तो एक तरफा वोट करेंगे और आपका प्रधानमंत्री दो मिनट में बन सकता है, इसलिए आपको कभी भी एक वोट नहीं दिखाएंगे। जागो समाज चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं जागो समाज चैनल का बहुत ही आभारी हूँ जो उन्होंने हमारी बात समाज के आगे रखी, बाकी कोई और वाकई में और कोई मीडिया इसको शो नहीं करेगा, तो मैं दिल की हार्दिक गहराइयों से जागो चैनल का हार्दिक धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप कितना सहयोग करेंगे इसका? मैं जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सहयोग है हमारा उनके लिए, जागो चैनल के लिए जी। देखिए हमारे साथ सचिन जी है, सचिन जी जागो समाज चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जागो चैनल ने हमारे जागो चैनल ने हमारे को इतने समाज में खराब किया, बुलाया और इतनी समाज में एक्यूरेट की दी, तो इस जागो चैनल के लिए हमारे शुभकामनाएं हैं, बहुत आगे तक जाए चैनल जी। थैंक यू सर। ये देखिए सर हमारे साथ है जो सचिन विनय कुमार जी के जो कोच है, जागो समाज चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? जागो समाज चैनल जो आज कार्य कर रहा है वो आज तक किसी ने किया ही नहीं, क्योंकि जितने भी मीडिया के माध्यम है या दूरदर्शन या टीवी पे जो भी माध्यम है, किसी भी फिल्म में या नाटक में हमारा नाम तो होता ही नहीं जी, हमें तो दिखाते नहीं है, हमारे वो तो गायब किया हुआ इस देश से जी। तो आज ये माध्यम जो समाज चैनल का बन रहा है, जो आज ये लोग हमें
बता रहे हैं कि हम भी इसका रीजन जो है जागो समाज चैनल का बनाने का जो चैनल लॉन्च करने का जो सिस्टम है मतलब वो भी यही है कि जो शोषित जातियाँ हैं जो वंचित जातियाँ हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए उनका अधिकार दिलाने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए। देखिए बिरजू पहलवान जी इतने बड़े पहलवान थे लेकिन छुपे हुए थे, हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। विनय कुमार जी है, सचिन कुमार जी है, ऐसे हमारे जो लोग हैं बहुत है, मुस्कान लुहेरा है, सूरज लुहेरा है, ये जो गोल्ड मेडलिस्ट जो इंटरनेशनल जो लेवल के जो लोग हैं ये छुपे हुए थे, सरकार भी इनको नहीं मानती और नहीं प्रेजेंट करना चाहती, तो हम अपने माध्यम से इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं जी। यही एक हमारा शुद्ध विचार है और हमारा संघर्ष है ये जागो समाज चैनल जी। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद। ऐसे बादशाह हुए जो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, मगर इसी धरती पर एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जो गुलामों को इंसान बनाकर बादशाहों के बादशाह बने, वो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। तो देखिए बड़ा अच्छा सॉन्ग यहाँ पर एक चलाया जा रहा है कि ना मंदिर ना दरगाही को, ना समय दिया नींद आई को, यानी बाबा साहब जो है वो घंटों घंटों जो पढ़ाई करते थे और सिर्फ मात्र कुछ एक क्षण के लिए लटका लेते थे नींद का, तो वो पढ़ाई भी पढ़ाई करने के लिए जो है बाबा साहब अपनी निद्रा को त्याग दिया, अपने समाज को जो है उन्होंने त्यागा। तो यहाँ पर एक इतना अच्छा सॉन्ग चल रहा है, देखिए सुनिए आप। दलितों की अनपढ़ता दिया भीम ने वक्त पढ़ाई को, बाबा साहब जो है दलितों के लिए अपने शोषित वंचितों के लिए अधिकारों के लिए अपने जीवन का आहुति दी और अपने खानदान अपने परिवार की भी आहुति उन्होंने दी। उनके जो बच्चे थे वो भी बीमारी से ग्रस्त होकर कोई टीबी से कोई कुपोषण होकर उनके बच्चे भी जो है वो बगैर इलाज के जो है वो स्वर्ग सिधार गए और बाबा साहब जो है अपने बच्चों का उनके पास इतनी भी आर्थिक सहायता नहीं थी कि अपने बच्चों का इलाज करा पाए। अगर वो चाहते बाबा साहब अगर चाहते तो विदेश में बैठकर अमेरिका में बैठकर कोलंबिया में बैठकर बिल्कुल राज कर सकते थे और वहाँ पर उनको उनकी मनचाही नौकरी और फ्लैट और तकरीबन जो सुविधाएँ एक ऑफिसर रैंक और एक सम्मानित इंसान के लिए होती है वो पा सकते थे, मगर उन्होंने जो है अपने शोषित और वंचित समाज के लिए बहुजन समाज के लिए और नारी के लिए अपना अधिकार मांगने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और बाबा साहब की 128वीं जयंती सुल्तानपुरी के अंदर यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और देखिए बड़े अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं और बड़े सरलता के साथ और लोग युवा यहाँ पर एकत्रित होकर चल रहे हैं और बाबा साहब के जयकारों के साथ यहाँ पर गूंज उठ रही है। चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पानी की और व्यवस्था भी है, तो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे हम जो है ए ब्लॉक के
ए ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर में जो है बिरजू पहलवान जी का भव्य स्वागत यहाँ पर किया जाएगा, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो ये सुल्तानपुरी का ए ब्लॉक का भगवान वाल्मीकि मंदिर देखिए। तो यहाँ पर जो है बिरजू पहलवान जी जो भारत हिंद केसरी है उनका जो है यहाँ भव्य स्वागत यहाँ किया जाएगा। बिरजू पहलवान जी जो है मत्था टेकने भगवान वाल्मीकि मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और विनय कुमार जी और सचिन कुमार जी का भी यहाँ पर देखिए स्वागत किया जाएगा। तो देखिए भारत हिंद केसरी बिरजू पहलवान जी का स्वागत किया जा रहा है जी। जो मंदिर के जो प्रधान जी हैं, अपना नाम बताइए सर। सोहन लाल जी जो है वो पगड़ी पहनाकर और नोटों की माला पहनाकर भारत हिंद केसरी बिरजू पहलवान जी का स्वागत यहाँ किया जा रहा है। नवीन भोला जी का भी यहाँ पर देखे स्वागत किया गया, पगड़ी पहनाई गई है। विनय कुमार जी के जो पहुँच है सुरेश कुमार जी उनका भी जो है पगड़ी पहनाकर स्वागत यहाँ किया गया है। और अभी विनय कुमार जी का भी स्वागत यहाँ किया जाएगा। और कालू पहलवान जी जो दिल्ली से हैं उनका भी यहाँ स्वागत किया जाएगा। पावर लिफ्टर जो है उनका भी यहाँ स्वागत किया जाएगा। यह है कालू पहलवान जी जिनका माला पहनाकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जो मंदिर के जो प्रधान हैं सोहन लाल जी उनसे हम जानना चाहेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 128वीं जयंती और बिरजू पहलवान जी साक्षात मंदिर में और विनय कुमार जी सचिन कुमार जी जो मंदिर में आए और आप उनका स्वागत कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे को दलितों को जो इस समाज के अंदर राजनीतिक में नौकरियों में जो हमें आरक्षण वगैरह वगैरह जो चीज़ें थी बाबा साहब की देन है और बाबा साहब की देन की बदौलत आज हम हैं। वरना हम लोगों को तो दलितों को पिछड़ों को कहीं पूछा भी नहीं जाता। अगर बाबा साहब की देन है तो आज हम राजनीतिक में भी हैं, नौकरियों में भी हैं, हर जगह हैं। बाबा साहब का कोटि कोटि नमन करते हैं जी। बिरजू पहलवान जी का भी आप बताइए। पहलवान मेरी समाज की नाक है। मैं बिरजू पहलवान जी का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूंगा जो यहाँ पे पधारे। और मैं कहूँगा बिरजू पहलवान जी को ऐसे ही बाबा साहब की सेवा में निपुण अपने उनको लगाए रखे अपने उसको। और मैं इनका जब भी बिरजू पहलवान जी आएंगे मेरा सुल्तानपुर माजरा सुल्तानपुरी ब्लॉक आपका और बिरजू पहलवान जी का तन मन धन से सेवा करता रहेगा जी। तो हमारे साथ में देखिए सुल्तानपुरी SHO विपिन कुमार जी हैं जो जिनका पगड़ी पहनाकर यहाँ पर स्वागत किया जाएगा क्योंकि इनकी रेख देख में यहाँ सुल्तानपुरी का एरिया है और यहाँ जो है युवा जो है जोश में है और विपिन कुमार जी का जो है स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। ये SHO साहब है हमारे जी, बहुत काबिले तारीफ है इनकी और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सुल्तानपुर माजरा के अंदर। हमारे को कभी आधी रात को भी जरूरत पड़ती है इनकी तो स्वयं उठ के आ जाते हैं। और मैं SHO साहब का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ मैं इनका। और मैं बोलो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। विपिन कुमार जी से बात करेंगे। सर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बधाई देना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो सबको आप लोगों को जी। और ये जो कार्यक्रम अच्छा कर रहे हैं हम कर रहे हो आप, मतलब एक कानून के दायरे में चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कानून के दायरे में चल रहा है जी। युवा मतलब कोई गदर वदर या कोई उड़दन तो नहीं उतार रहे? नहीं नहीं कोई उड़दन, सब अच्छा काम कर रहे हैं जी। चलिए धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ में देखिए SHO सुल्तानपुरी SHO। तो उन्होंने कहा कि युवा जो है बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं और एकत्रित होकर जो चल रहे हैं और कानून के दायरे में ये रैली निकाली जा रही है जी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो 128वीं जयंती है उसके उपलक्ष्य में सीनो सुल्तानपुरी से जो है उनके महारैली का आयोजन यहां किया गया पर है। और प्रिंस जी 128वीं जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपको भी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर जो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? सर मैं सुल्तानपुरी के युवाओं को, क्योंकि इस संगठन का नाम है भीम चेतना युवा संघ, एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, नशे से दूर रहो, शिक्षा के समीप रहो और जितना हो सके तरक्की की तरफ अग्रसर हो। क्योंकि ये
कितनी बार आप निकाल चुके हैं रैली? सर ये हम तीसरी बार रैली निकाल रहे हैं। हर साल हम हजारों की संख्या में हमारा यहाँ से काफिला निकलता है और तो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज जो है बिरजू पहलवान जी, विनय कुमार पहलवान जी, सचिन कुमार, ये मिस्टर इंडिया भी यहाँ पर मौजूद है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर 9 टाइम मिस्टर इंडिया हमारे साथ विनय महला जी हैं, 3 टाइम मिस्टर इंडिया हमारे साथ सचिन जी हैं, एशियन चैम्पियन हमारे साथ बिरजू पहलवान जी मौजूद है, पावर लिफ्टर हमारे साथ कालू पहलवान जी मौजूद हैं, प्रिंसिपल, वकील सभी हमारे साथ यहाँ हमारा समर्थन करते हैं और हम बाबा साहब की यही जो बाबा साहब ने काम किया यही काम हम आगे पहुँचाना चाहते हैं। तो आपकी नशे और क्रूरतियों पर क्या कहना है सुल्तानपुर सर? जैसे हमारा जो धार्मिक विधान जो हमें सिखाता है शिक्षा से वंचित या और भी कई चीज़ों से वंचित, वही हमारे बाबा साहब का भारतीय संविधान हमें सिखाता है समानता का अधिकार। हम यही प्रचार करते हैं कि सब समान हो, एक जैसे हो। लेकिन खाली रैली निकालने से या बाबा साहब की जयंती मना, क्योंकि बाबा साहब भी अगर होते तो अपनी जयंती शायद नहीं मनाने देते, और क्योंकि वो चाहते थे बच्चों को संगठित करना, शिक्षित करना, उस पर आपकी क्या कार्यशैली रहेगी? सर हमारा यही कहना है कि जितने बच्चों को हम शिक्षित कर पाएँ, हम फ्री ट्यूशन का कैंप भी चलाते हैं जी, नज़दीक बोध विहार है हमारे यहाँ जी, वहाँ पे फ्री ट्यूशन का कैंप होता है सर, जो भी बच्चा वहाँ पढ़ना चाहता हो फ्री आए। जैसे हमारे बिरजू भाई हों फ्री रेसलिंग सिखाते हैं जी, हमारे एक साहब और हैं सुरेश जी जी, IBBF से जनरल सेक्रेटरी हैं वो, सॉरी दिल्ली बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन से, तो सर वो भी जो है बच्चों को ट्रेन करते हैं जी। तो सर ये हमारे साथ जुड़ के ये पहल कर रहे हैं जी, जी। तो मतलब क्रांति एक आ रही है बाबा साहब सर, पूरी क्रांति ज्वाला भड़क चुकी है, बाबा साहब का जय भीम का उद्घोष आप हर एक जवान के मुंह से सुन सकते हैं जी। एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती जब भी निकाले तो कोई भी मतलब शोर शराबा या बाइक में पटाखे छोड़ना या कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे मतलब विघन आए, जो जयंती मनाने में विघन पड़े, क्योंकि देखिए प्रशासन भी आपके साथ में है और सभी आपको हेल्प करते हैं, तो इससे जो है विघन पड़ता है और बाबा साहब की जयंती का जो है समाज का, पूरे समाज का, बहुजन समाज का नाम खराब होता है। तो कृपया इस बात का जरा ध्यान रखें कि जो लड़के जो आजकल के हैं वो बाइकों में पटाखे बजाना या कोई ऐसी मतलब बात ना करें जिससे कोई प्रोग्राम में, रैली में या किसी फंक्शन में विघन पड़े जी। धन्यवाद। उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि घर से निकलकर ये जनजागरण के काम के लिए जो आप भाई हो इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हो, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पूर्ण बधाई देता हूँ।